अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 160। आपको पहले कहीं देखा है? लैला ने जैसे ही पार्टी हॉल में एंटर किया, सबकी निगाहें बस उसी पर थम के रह गई थी। ऑलिव ग्रीन कलर के गाउन में लैला आज बला की खूबसूरत लग रही थी। अपने लंबे घुंघराले बालों को उसने कंधे के एक तरफ रखकर खुला छोड़ा हुआ था। होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक उसे बेहद खूबसूरत लुक दे रही थी। लैला के वहां कदम रखते ही मीडिया की भीड़ उसे घेरे खड़ी हो गई थी। एक साथ कई लोग कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तभी वहां माया पहुंची और लैला का हाथ थामते हुए मीडिया वालों से बोली, प्लीज एक्सक्यूज अस, और उसे लेकर तेजी से अंदर की तरफ चली गई। चलते चलते उसने कुछ नागवारी से कहा, यू आर टू लेट लैला, मैं लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। आज हम तुम्हारा नाम अनाउंस करने वाले हैं अपनी नई फिल्म के लिए, और तुम इतनी देर कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मीडिया वाले चले गए तो फिर इस पार्टी का वैसा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। माया की बात सुनकर लैला ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, सॉरी माया, वाकई मुझे टाइम से आना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मैं। माया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ओके ओके, कोई बात नहीं, अब आओ, अब हम शुरू करते हैं। कहते हुए वो लैला को स्टेज की तरफ ले आई और फिर उसने माइक हाथ में लेकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने शो प्यार की कश्ती में के पूरे 200 एपिसोड ऑन एयर होने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और इस खुशी के मौके पर मुझे आप सबको एक और बड़ी खबर सुनानी है, और वो ये है कि माया टेलीफिल्म्स जल्द ही माया मोशन पिक्चर्स के नाम के साथ अब बड़े पर्दे की तरफ भी बढ़ रही है, और हमारी पहली फिल्म के लीड रोल में होंगी आप सबकी चहेती लैला रॉय। कहकर उसने लैला की तरफ इशारा किया। माया के स्पीच के बाद तालियों की गूंज थी जो काफी देर तक हॉल में बजती रही। ये सब देखकर लैला के चेहरे पर एक अजीब किस्म की चमक थी। उसने वहीं स्टेज से हाथ जोड़ते हुए कुछ झुककर सबको थैंक यू कहा। उसके बाद सभी डिनर करने चले गए, लेकिन लैला की नजरें अनजाने तौर पर ही सुचोई को तलाश रही थीं। लेकिन काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे सुजोय कहीं नहीं दिखा। कुछ दूर पर खड़ी सुहाना को देखकर उसका दिल चाहा कि उसके बारे में पूछ ले, लेकिन पता नहीं क्यों एक हिचकिचाहट सी आ गई। डिनर के वक्त जब लैला सुहाना से मिली तो उसने भी लैला के देर से आने के बारे में पूछा। लैला ने गौर किया कि इस दौरान सुहाना की नजरें बार बार मेन गेट की तरफ उठ रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान सी दिख रही हो, सब ठीक है ना? तब सुहाना ने कहा, नहीं, वो मैं भाई का इंतजार कर रही हूँ, आने वाले थे वो भी, लेकिन पता नहीं भाई अब तक पहुंचे क्यों नहीं। मैंने कुछ देर पहले फोन किया था तो उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। कहते हुए उसने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डाली। अभी वो कह ही रही थी कि तभी लैला की नजर मेन गेट पर पड़ी तो उसे सुजोय आता हुआ दिखा। अनचाहे तौर पर ही लैला के होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। लेकिन जैसे ही सुजोय कुछ नजदीक आया, लैला के अंदर जैसे कुछ टूट फूट सी मच गई, क्योंकि सुजोय वहां अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ जेनी भी थी। सुहाना उसे देखते ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ी, जबकि लैला ने खामोशी से अपने कदम कुछ और पीछे कर लिए और वहां से दूर चली गई। सुचोय साहब यहाँ भी जेनी के साथ हैं। इसका मतलब कल जेनी ने फोन पर जो कुछ भी कहा था उसमें सच्चाई हो सकती है। न जाने क्यों लैला को इस वक्त अपना आप बहुत ही ठगा हुआ सा महसूस हो रहा था। अभी सब डिनर में बिजी थे, इसीलिए किसी का भी ध्यान लैला की तरफ नहीं था। इसीलिए लैला ने बिना किसी को कुछ कहे एक अकेला सा कोना देखा और वहीं खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन भगवान से शिकायत की, क्यों भगवान जी क्यों, मैं तो किसी के पास नहीं जाती कि कोई मुझे चाहे सराहे मेरा ध्यान रखे, लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि आगे बढ़कर जिंदगी दिखाने वाले लोग मेरे लिए जीना इतना मुश्किल कर देते हैं। वो थोड़ी देर तक यूं ही उदास खड़ी रही, फिर न जाने कहां से उसके अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ गई।
उसने एकदम से बहे जा रहे आंसुओं को अपनी हथेली से साफ किया और फिर अगले ही पल जैसे पूरे कॉन्फिडेंस से खुद से वादा करती हुई बोली, कोई बात नहीं भगवान जी, मैं ये सब सह लूंगी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि बाकी लोगों की तरह सुजॉय साहब ने भी मेरा भरोसा तोड़ा, बल्कि मैं आपकी इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि इस मामले में मेरा कोई नुकसान होने से पहले ही आपने मुझे ये सब दिखा दिया। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पुकारा, हेलो मिस लैला। उसने पलट कर देखा तो वो नरेन था। नरेन को सामने देखकर लैला कुछ चौंक सी गई, लेकिन उसने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, ओ हाय नरेन, कैसे हो? नरेन ने उसके कुछ पास आते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, वैसे मैम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नरेन ने कहा तो लैला की नजरें अपने आप ही झुक सी गईं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा तो नरेन ने अगले ही पल कहा, आइए ना मैम, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर। नरेन उसे लिए हुए वापस हॉल में चला आया जहाँ सब अभी डिनर कर रहे थे। सुहाना सुजॉय और जेनी के पास ही थी। वो जेनी से काफी सालों बाद मिल रही थी। उसने एकदम से जेनी को हग करते हुए कहा, यार तुम कहाँ थी इतने दिनों से, मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। तब जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब की छोड़ो, अब आ गई हूँ ना तो अब देख लो। इस बात पर सभी हंसने लगे, लेकिन सुहाना को आज सुजॉय काफी खामोश खामोश सा दिख रहा था। अभी वो उसे टोकने ही वाली थी कि जेनी को उसके कोई पहचान का मिल गया। उसने दूसरी तरफ जाते हुए सुजॉय से कहा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही जैसे सुहाना को मौका मिल गया था, उसने जल्दी से सुजॉय के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ भाई, आप इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो? सुहाना का ये पूछना था कि जैसे सुजॉय के सब्र का बांध टूट गया। उसने सुहाना का हाथ थाम कर कहा, मैं बहुत परेशानी में फंस गया हूँ सुहाना, और मुझे नहीं पता कि मैं इससे निकलूंगा कैसे। सुहाना ने आज तक जिंदगी में कभी भी अपने भाई को इतना परेशान नहीं देखा था, इसीलिए उसके लिए काफी शॉकिंग था। उसने चौंकते हुए कहा, भाई क्या हुआ आपको, आप इतनी टेंशन में क्यों हो, माने कुछ कहा क्या? सुजॉय ने इनकार में सिर हिलाया और फिर उसे वो सारी बात बता दी जिसकी वजह से वो परेशान था। सुहाना ये सब सुनकर काफी शॉक्ड रह गई। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, मैं आपको भी जानती हूँ और जेनी को भी। मैं जानती हूँ कि आप सपने में भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, और जेनी आप पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी, जहां तक मैं जानती हूँ वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। सुजॉय ने यह सुनकर एकदम से हारे हुए अंदाज में कहा, तब शायद वाकई गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं लाख याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सुहाना, मुझे उस रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। माँ को ये लगता है कि बात बाहर चली गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और माँ को गलत भी तो नहीं लगता, मीडिया वाले और बाकी के कंपेटिटर्स तो हर वक्त इसी की ताक में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह हमारी कोई नेगेटिव खबर मिले और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तब सुहाना ने पूछा, अब माँ का क्या कहना है? सुजॉय ने गहरी सांस ली और फिर बोला, माँ पता नहीं क्या चाहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जेनी आपके साथ यहाँ कैसे? सुजॉय ने भाई का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अफसोस से पूछा। तब सुजॉय ने बताया, ये माँ का ही आइडिया था, उन्हें लगा कि जेनी उस हादसे के बाद काफी डिप्रेस्ड महसूस कर रही है, इसीलिए मुझे उसे लेकर कहीं बाहर निकलना चाहिए। सुहाना ने उसकी बात सुनकर किसी और से बातें करती जेनी को गौर से देखते हुए कहा, खैर भाई वो अभी डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं लग रही। सुहाना के कहने पर जब सुजॉय ने नजरें उठाकर देखा तो वाकई जेनी अपने साथ खड़े किसी लड़के की बात एकदम ठहाके लगाते हुए हंस रही थी। उसने मायूसी से कहा, बस मुझे उसकी आंखों में कभी नहीं दिखा कि इस हादसे का उसके ऊपर वाकई कोई असर है। सुहाना ने धीरे से उसकी बात पर हामी भरी। तभी जैसे सुजॉय को लैला का ख्याल आया, मुझे एक बार लैला से बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए जेनी को उलझा सकती हो? सुजॉय के मुंह से लैला का नाम सुनकर सुहाना ने कुछ चौंकते हुए कहा, भाई
कहीं आप लैला से... उसने जानबूझकर अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया और उसके जवाब में सुजॉय ने अपनी नजरें नीचे। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। झुका ली। वैसे भी अब वो इस हालात में ही कहां था कि सुहाना के सवाल को एक्सेप्ट कर पाता। उसने सुहाना का सवाल टालते हुए कहा, मुझे अभी ये सब कुछ पता नहीं सुहाना, बस कुछ चीजें थी जो बीच में छूट गई हैं। मुझे बस लैला से बात करके उन्हीं बातों को क्लियर करना है। सुहाना ने धीरे से सुजॉय के कंधों को थपथपाया और फिर बोली, डोंट वरी, मैं देखती हूँ जेनी को, आप मिलाइए लैला से। उधर चलते चलते नरेन एक टेबल पर पहुंचा। तब तक लैला भी उसके पीछे पीछे वहां तक आ गई। वहां पहुंचकर नरेन ने वहां बैठे लोगों को आवाज देते हुए कहा, अम्मा बापू इनसे मिलो, यह लैला रॉय मेरी पहली फिल्म की एक्ट्रेस। नरेन ने कहा तो नंद राय और अम्मा दोनों ने ही पीछे पलट कर देखा और उन दोनों को अपने ठीक सामने देखकर लैला को एकदम से शॉक सा लग गया। उसके तो जैसे कदमों से जान ही निकल गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। हे भगवान, मैंने ये सोचा क्यों नहीं कि ये लोग भी यहाँ हो सकते हैं। ये ख्याल आते ही लैला ने अपने घुंघराले बालों को कुछ और सामने करते हुए अपना चेहरा लगभग आधा ढक लिया। नंदराय ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया तो लैला के भी हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने फिर अम्मा को भी नमस्ते किया और जैसे ही लैला की नजरें अम्मा की नजरों से टकराई, लैला का दिल डर सा गया। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो आंखों आंखों में उसके अंदर बाहर सब पता लगा लेंगी। तभी नंद राय ने लैला से कहा, आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। लैला ने जल्दी से कहा, जी शुक्रिया, लेकिन मुझे उधर डिनर करना है। मैं बस माया के फ्री होने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। तब नंद राय ने कहा, जी जरूर, बस आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी और नरेन की जोड़ी खूब हिट रहे। नंद राय के मुंह से ये सब सुनकर नरेन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये बापू कड़क नीम करेले से एकदम बदल कर नर्म गुलाब का फूल क्यों हुए जा रहे हैं? लैला ने उसी तरह अपना आधा चेहरा बालों से ढके हुए ही जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए लैला ने जल्दी से अपना रुख मोड़ा और दूसरी तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी अम्मा की रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ी, रुको। लैला के कदम जैसे वहीं पर जम के रह गए। दिल था कि जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आना चाहता था, लेकिन लैला के पास अभी पीछे घूमने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने पीछे मुड़ते हुए एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, जी कहिए। तब अम्मा ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पहले भी कहीं देखा है। लैला को लगा कि जैसे अब अगले किसी भी पल उसकी पिछली जिंदगी का सारा राज खुल जाएगा और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचेगी। क्या अम्मा पहचान लेगी लैला को कि वो कोई और नहीं उनकी बहू लाली ही है? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।